भाई मतलब क्या बवाल एजेंट ला दिया वैलोरेंट ने? सच बताऊं तो ये कहने को कंट्रोलर है, बट है ये कंट्रोलर ड्यूलिस्ट। तो गाइस आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है यार, क्योंकि इस वीडियो में बात करने वाले हैं हमारे न्यू 25th वैलोरेंट एजेंट लोग के बारे में, एंड एक एक करके इसकी एबिलिटीज को इजी वे में समझेंगे। एंड यार जिनको भी एक्साइटमेंट है ना इसकी एबिलिटीज को जानने का, सेम मेरे को भी था, मैंने भी आपकी तरह इस एजेंट का काफी ज्यादा इंतजार किया है। एंड सच बताऊं ना यार, अगर ये एजेंट पिकअप वैलोरेंट एजेंट भी बन जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, बिकॉज इसकी एबिलिटीज भाई सब क्या ही बोलूं, इतनी ज्यादा खतरनाक है कि आप भी बोलोगे क्या बात है सर, क्या बात है। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, एंड ऐसे और मजेदार कंटेंट देखना आपको पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड हाँ एक छोटी सी बात, हम डेली रात को लाइव स्ट्रीम भी करते हैं 8:30 PM पे। वेल बैक टू द टॉपिक, एंड एक एक करके इसकी एबिलिटीज को ब्रेक डाउन करते हैं। सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करें, जैसा कि मैंने बताया इसका नेम क्लोव है और ये कंट्रोलर कैटेगरी में आती है। और मैं आती है क्यों ऐसा बोल रहा हूं, बिकॉज ये देखने में फीमेल है बट अभी तक किसी को भी इसका जेंडर नहीं बताया। तो अगर आपको पता तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो सबसे पहले बात करें इसकी क्यू एबिलिटी मेडल के बारे में, जो कि टाइप ऑफ ग्रेनेड आप समझ सकते हो। क्लोव एक थ्रोएबल ऑर्ब को थ्रो करती है जो एक्सप्लोड होते ही कुछ इस तरह का दिखता है, एंड अफेक्टेड एरिया में बटरफ्लाइज उड़ने लगती है। एंड ये दिखने में काफी ज्यादा ऑसम लगता है। एंड जो भी अपोनेंट टीम के प्लेयर्स इसके एरिया में अफेक्टेड होते हैं, उनकी हेल्थ काफी ज्यादा कम हो जाती है, ऑलमोस्ट 10 HP से भी कम। बट इसका टाइम ड्यूरेशन लिमिटेड 5 सेकंड्स के लिए है, एंड आफ्टर 5 सेकंड्स आपका अपोनेंट वापस से हील हो जाएगा अपने नॉर्मल हेल्थ पे। इस एबिलिटी को आपको बहुत ध्यान से यूज करना होगा, बिकॉज एनिमी के साथ साथ आपके ये टीममेट्स को भी डैमेज दे सकती है। एंड यहाँ तक अगर आपने इसको अपने ऊपर गिरा लिया तो ये आपकी भी हेल्थ कम कर देती है कुछ सेकंड्स के लिए। लाइक एग्जांपल के आप यहाँ पर देख सकते हो, क्लासिक की 2 ब्लेड्स मेरे को शूट करनी पड़ती बॉट्स के ऊपर उनको मारने के लिए, बट जब मैं मेडल एबिलिटी यूज करता हूँ क्लोव की, एंड ये बॉट उसके एरिया में आके अफेक्ट हो जाता है, तो उसकी एसपी काफी ज्यादा कम हो जाती है, जिससे मुझे सिर्फ क्लासिक की 1 ब्लेड शूट करनी पड़ती है उसको मारने के लिए, जैसा कि आप खुद स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। वेल इस एबिलिटी का यूज करके आप इजिली बंदों को डैमेज देकर काफी जल्दी मार सकते हो, एंड ये काफी ज्यादा हेल्प करेगी ड्यूरिंग डिफेंडिंग। जब आपके अपोनेंट एक साइड के अंदर घुस रहे हो एंड आप ये थ्रोएबल और फेंक के डैमेज दे दो, तो एक साथ ही उनके 5 के 5 बंदे ही डैमेज हो जाएंगे, आपकी टीम इजिली उनको मार सकती है। बट हाँ ध्यान रहे, इसका सिर्फ असर 5 सेकंड्स के लिए रहेगा। बात करें इसकी सी एबिलिटी पिक मी अप के बारे में, टाइप ऑफ हीलिंग एबिलिटी है जस्ट लाइक ड्रेना का डिवॉय, सेम क्लोव अपने एनिमी को मार कर या फिर डैमेज देकर अपने आप को हील कर लेती है। एंड अगर आप पूरा 100 HP पहले से ही हो तो ये आपको ओवर हील कर देती है अप्रॉक्स 6 सेकंड्स के लिए। एंड सबसे अच्छी बात इस एबिलिटी की, आपको इस एबिलिटी को यूज करने के लिए किसी भी एनिमी की बॉडी नहीं चाहिए, बिकॉज ड्रेना को खुद को हील करने के लिए किसी एनिमी की बॉडी चाहिए होती है, वो भी सामने। बट क्लोव इजिली बिना बॉडी के पास हुए भी अपने आप को इजिली हील कर सकती है। एंड एक प्लस पॉइंट इस एबिलिटी का और है, जैसे आप इस एबिलिटी को एक्टिवेट करते हो एंड हील करना स्टार्ट करते हो, तो आपके आस पास ऐसा पर्पल कलर का फॉग निकलता है एंड आपके मूवमेंट्स और स्पीड भी तेज हो जाती है। एंड पर्सनली यार सच बताऊं यार, ये एबिलिटी मेरे को काफी ज्यादा पसंद आई, बिकॉज ये हील के साथ साथ आपको ओवर हील भी कर देती है। बात करें क्लोव की एक और यूनिक एबिलिटी, ये एबिलिटी रूस के बारे में, जो कि इसकी सिग्नेचर एबिलिटी है, इसका यूज करके क्लोव स्मोक करती है। एंड अब आप यार पूछोगा इसमें यूनिक क्या है, सभी कंट्रोलर तो स्मोक करते हैं, बट इसमें यूनिक क्या है वो मैं आपको वीडियो में आगे बताता हूँ। सिमिलरली और कंट्रोलर की तरह मैप लोकेशन को सिलेक्ट करके अपने स्मोक को डिप्लॉय कर सकती है। सिंपली आप जब कीबोर्ड में ई प्रेस करोगे तो आपके सामने ऐसा कुछ मैप खुल के आ जाएगा, एंड देन आप अपनी इंटरेस्टेड जगह पे माउस पे लेफ्ट क्लिक करके उसको सिलेक्ट कर सकते हो एंड डिप्लॉय करने के लिए राइट क्लिक कर सकते हो। एंड सच बताऊं तो मुझे क्लोव का स्मोक काफी ज्यादा पसंद आया, बिकॉज इसके बहुत सारे एडवांटेज हैं, वो मैं बताता हूं क्या। फर्स्ट, क्लोव का स्मोक ओमन एंड ब्रिम के स्मोक के कॉम्बिनेशन के जैसा है, बिकॉज ओमन के स्मोक की तरह ये एकदम अंदर से एंड ब्रिम के स्मोक जैसे ही रैपिडली स्मोक कर सकता है, जैसा कि आप फुल स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जिसमें आप एक बार में दो स्मोक कर सकते हो, वो भी जल्दी जल्दी ब्रिम की तरह। एंड सबसे बड़ा एडवांटेज क्लोव के स्मोक का, कि क्लोव मरने के बाद भी अपने टीममेट्स को स्मोक दे सकती है, जो कि अभी तक वैलोरेंट में किसी भी कंट्रोलर के पास ऐसी यूनिक एबिलिटी नहीं है। एंड बात करें इसके स्मोक के ड्यूरेशन के बारे में, वो हमें देखने को मिल जाती है 14 सेकंड्स। एंड फाइनली बात करें क्लोव के अल्टीमेट एबिलिटी के बारे में, जो अगेन मेरे को काफी ज्यादा यूनिक लगी, कि क्लोव अपनी अल्टीमेट एबिलिटी की हेल्प से अपने आप को रिवाइव कर सकती है, जस्ट लाइक सेज की अल्ट की तरह। बट यहाँ पे क्लोव को किसी भी और एजेंट की हेल्प की जरूरत नहीं है रिवाइव होने के लिए। बट इसका एक छोटा सा डिसएडवांटेज है, इसकी अल्ट यूज करते ही आपको लिमिट ड्यूरेशन मिलता है, मींस रिवाइव होने के बाद आपको जल्दी से कवर में जाना होता है। एंड जब आप रिवाइव हो चुके होते हो तो आपको यहाँ पर टाइमर देखने को मिलता है, एंड इसके खत्म होने के पहले आपको किसी बंदे को डैमेज मारना पड़ता है, एंड इस टाइम ड्यूरेशन में आपने ये ऑब्जेक्टिव नहीं क्लियर किया तो आप वापस से मर जाओगे। बट ओवरऑल बात करें इस एजेंट की, तो यार क्लोव मेरे को पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, बिकॉज वैलोरेंट ने बताया इसे कंट्रोलर है, बट इसकी मिडिल एबिलिटी जो कि बंदों को डैमेज दे सकती है, इसकी ओवर हीलिंग एबिलिटी पिक मी अप जस्ट लाइक रेना के डिवॉय, खुद को हील कर सकती है, यहां तक कि ओवर हील भी कर सकती है। एंड इसका अल्टीमेट है, जो कि आप खुद रिवाइव होकर बैटलफील्ड में वापस जा सकते हो एंड अपनी टीम की हेल्प वापस से कर सकते हो। एंड यार सच बताऊं तो कंट्रोलर, एंड सच बताऊं यार ये एजेंट कंट्रोलर कम ड्यूलिस्ट ज्यादा लगता है। एंड आपका क्या ओपिनियन है इस एजेंट के बारे में, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आशा करता हूं ये वीडियो आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करना मत भूलना, एंड ऐसे और मजेदार कंटेंट देखना आपको पसंद है तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपका बियर भाई ऐसे मजेदार कंटेंट लाता रहता है, वो भी हमारी हिंदी भाषा में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।